Hello friends, welcome back to yet another informative video, and in this video we will be talking about the scientific tools and their use. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग, ऐसे कितनी मशीनरी, ऐसे कितने टूल्स हैं जो हम आम जिंदगी में रोज उनका इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमको उनका साइंटिफिक नाम जनरली नहीं पता होता. तो चलिए आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही साइंटिफिक टूल्स को और उनके यूज क्या है, उनके उपयोग क्या है. तो फर्स्ट वन इज अल्टीमीटर. तो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड्स. अल्टीमीटर जो होता है वो ऊंचाई सूचित करने हेतु यंत्र है. आपने देखा होगा एयरप्लेन का जो कॉकपिट होता है उसमें आपने देखा होगा इस तरीके के बहुत सारे मीटर लगे होते हैं. तो उसमें एक होता है अल्टीमीटर जो बताता है कि किस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है, और जो उनको ATC से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके हिसाब से जब लैंड करता है तो ये अल्टीमीटर ही बताता है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर प्लेन पहुंच गया है. और कितनी बार जो कैप्टन होता है वो फ्लाइट में अनाउंस करता है कि हम इतनी हाइट पर प्लेन उड़ रहा है, 3000 मीटर पर, 4000 मीटर पर, तो वो जो देखकर बताता है वो अल्टीमीटर देखकर बताता है. और इसके इन्वेंटर कौन थे? इसके इन्वेंटर थे लुई पॉल कैलिटेट और ये फ्रांस के थे. अगला है एमीटर. एमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र ये. और इसके इन्वेंटर कौन थे? फ्रेडरिच ड्रेक्सलर. अगला है एनेमोमीटर. एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड, डायरेक्शन एंड प्रेशर ऑफ द विंड. ये आप लोगों ने बहुत जगह लगा हुआ देखा होगा. तो ये वायु वेग को मापने का यंत्र है और इसको इन्वेंट किसने किया था? लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने. नेक्स्ट इज ऑडियोमीटर. ऑडियोमीटर इट मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता को नापने का यंत्र है ये. और इसका आविष्कार किसने किया था? ये नोबेल प्राइज विनर है हंगरी से, जॉर्ज वन बेकेसी. अगला है, पहले था ऑडियोमीटर, अब अगला है ऑडियोफोन. ऑडियोफोन ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये इंस्ट्रूमेंट फॉर इंप्रूविंग सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने में सहायता के लिए. जो लोग सुन नहीं पाते हैं, बहरे होते हैं, उनके देखने का आप कान में ये ऑडियोफोन लगता है. इस पिक्चर में जो बना है ये तो काफी बड़ा है, अब तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे से आने लग गए हैं जो आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि समवन इज वियरिंग द ऑडियोफोन. को इन्वेंट किया था रिचर्ड रोड्स अमेरिका के. नेक्स्ट इज बैरोमीटर. इट इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायु का भार नापने के लिए ये यंत्र है बैरोमीटर. इससे तो काफी लोग परिचित होंगे. और इसके इन्वेंटर है इवान गैलिस्टा टोरिसेली. अगला है बैरोग्राफ. अब बैरोमीटर और बैरोग्राफ में क्या फर्क है? बैरोमीटर भी जो है वो हवा का प्रेशर को मापता है और बैरोग्राफ भी एयर प्रेशर को ही रिकॉर्ड करता है. लेकिन जो बैरोग्राफ है वो एक तरीके का बैरोमीटर है जो कि लगातार रिकॉर्ड करता रहता है. बैरोमीटर तो आप जब प्रेशर आप देखते हैं कि टायर में जो हवा भरी जाती है तो वो बैरोमीटर से यूज करता है. आपके गाड़ियों में जो यूज करते हैं हवा का प्रेशर तो वो बैरोमीटर देखता है. लेकिन बैरोग्राफ जो है वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता रहता है हवा के प्रेशर को एक रोटेटिंग ड्रम पर, उसकी जो शीट है उस पर लगातार उसका प्रेशर रिकॉर्ड करता रहता है. ये देखिए जो पिक्चर है ये बैरोग्राफ की है और ये एक तरीके का बैरोमीटर ही होता है. और इसके इन्वेंटर थे लुइसन विदी फ्रांस के. अगला है बाइनोकुलर्स. इसके तो सभी लोग दीवाने हैं. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मैग्निफाइड व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. दूरबीन, दूर की चीज देखने का यंत्र. J.B. लिमायर ने इसको इन्वेंट किया था. अगला है बोलोमीटर. इट इज यूज टू मेजर इंफ्रारेड रेडिएशन. जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसको ये मेजर करता है उष्मीय विकिरण मापने के लिए. तो इसका नाम है हिंदी में विकिरण मापी. और इसको इन्वेंट किया था सैमुअल पियरपोंट लैंगली ने. नेक्स्ट इज कैलिपर्स. कैलिपर्स होते हैं टू मेजर, कैलिपर्स यूज होते हैं टू मेजर डायमीटर ऑफ थिन सिलेंडर और वायर, किसी वस्तु का बाहरी व्यास या मोटाई मापने के लिए. ये भी बहुत आम जिंदगी में ये यूज होता है. आप देखते होंगे जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं. और इसको इन्वेंट किया था पेरी वर्नियर ने. नेक्स्ट इज कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर इट मेजर्स क्वांटिटी ऑफ हीट. ऊष्मा मापी, ऊष्मा मापने के लिए, जो गर्माहट है हीट की क्वांटिटी नापने के लिए कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी हीट जनरेट हो रही है, उसके लिए कैलोरीमीटर यूज होता है. इसके इन्वेंटर थे एंटोइन लवोइजियर एंड पेरी सिमोन. अगला है कार्बोरेटर. इट इज यूज फॉर चार्जिंग एयर विद पेट्रोल वेपर्स इन एन इंटरनल कंबक्शन इंजन. इंजन में हमारा जो तेल जा रहा है जिस फॉर्म में, वो कार्बोरेटर ही छोड़ रहा है. इसके इन्वेंटर थे सैमुअल मोरे. कार्डियोग्राम. कार्डियोग्राम आपने देखा होगा, ECG जो होता है वो कार्डियोग्राम मशीन होती है. इट ट्रेसेस मूवमेंट ऑफ द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन अ कार्डियोग्राफ. तो जो पर्चा होता है कार्डियोग्राफ होता है और
इस पर हार्ट हार्ट बीट होती है, जो हार्ट का मूवमेंट है, और ये दिल से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हृदय क्रिया लेख, किसी को भी एंजाइना पेन हो रहा है या कहीं किसी को भी कोई सिम्टम्स हैं तो ECG में आ जाते हैं, पता चल जाता है डॉक्टर को। नेक्स्ट इज कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर का इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन द हाइट एंड लेवल्स। तो कहीं अगर जहाँ स्केल से नहीं नापा जा सकता, एक काइंड का एक तरीके का ये स्केल ही होता है, और स्केल जहाँ नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर कैसेटोमीटर का इस्तेमाल होता है। इसको इन्वेंट किया था पी डुलोंग एंड ए पेटेट ने, दोनों फ्रांस के थे। अगला है सिनेमेटोग्राफ, यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। तो आप जो पिक्चर हॉल में जो पिक्चर्स देखते हैं, आप पीछे देखते होंगे पिक्चर हॉल में बड़ी तेजी से रोशनी जो निकलती है, जो स्क्रीन पे जाके पहुंचती है सामने पर्दे पर, तो वो सिनेमेटोग्राफ से यानी कि चलचित्र यंत्र या सिनेमा यंत्र से निकलती है, और इसको इन्वेंट किया था ऑगस्ट ल्यूमर ने। अगला है डायनमो, डायनमो बिजली बनाने का एक तरीके से यंत्र है। इट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसके इन्वेंटर थे माइकल फाराडे। तो एक गाड़ियों में भी डायनमो लगता था, उसके बाद अल्टरनेटर्स आ गए, दिस इज डायनमो। इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत दर्शी विद्युत आवेश के सूचनन और मापन हेतु यंत्र, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप होता है, एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो एंडोस्कोपी करते हैं, ऊपर से आपके मुंह में से वो गले के थ्रू एक कैमरा डालते हैं अंदर, और अंदर की जितनी भी इंटरनल पार्ट्स हैं जिसमें आपका इसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, वो सारा पता लगा लेते हैं। तो टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंडोस्कोप का यूज होता है, और उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी, शरीर के भीतरी अंगों को देखने के लिए। इन्वेंटर थे इसके बॉजिनी। अगला है फैदोमीटर, फैदोमीटर यूज करते हैं हम लोग टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, गहराई नापने के लिए यंत्र, और इसका इन्वेंशन इसके इन्वेंटर थे हर्बर्ट ग्रोव डोर्सी, यह है फैदोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इट मेजर्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, आर्द्रता मापी तरल मान, द्रवों के घनत्व को मापने के लिए कि कितनी डेंसिटी है लिक्विड में, वो पता लगाने के हाइड्रोमीटर का यूज होता है। इसके इन्वेंटर थे विलियम निकल्सन। अगला है हाइड्रोफोन, इट मेजर द साउंड अंडर वाटर, जो पानी के अंदर ध्वनि तरंगे हैं उनका ये पता लगाता है, और इसके इन्वेंटर थे रेगिनाल्ड फेसेंडन। नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल होता है, ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसका इन्वेंशन किया था डिकास ने। माइक्रोफोन, इट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, और इसके इन्वेंटर थे एमिली बर्लाइनर। माइक्रोस्कोप टू सी द मैग्निफाइड व्यूज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा अपने स्कूलों में, लैब्स में, साइंस लैब्स में, हिंदी में इसको सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए यंत्र, और इसके इन्वेंटर थे जकेरियस जैनसन। अगला है ऑप्टोमीटर, अब देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है आपकी आंखों को चेक करने के लिए टू टेस्ट रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आईज, उसको ऑप्टोमीटर कहते हैं, दृष्टि मापी बोलते हैं हिंदी में, दृष्टि मापने का यंत्र, और इसके इन्वेंटर डॉक्टर जूल्स बेडल। नेक्स्ट इज ओटोस्कोप, आंखों के बाद आते हैं कान पर, जो कान में डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट डाल के देखता है चोंच जैसा टू एग्जामिन द ईयर ड्रम, उसको बोलते हैं ओटोस्कोप, ये देखिए, और इसके इन्वेंटर थे ई सिगल। अगला है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप होता है सबमरीन्स में यूज होता है टू सी टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स अबव द सी लेवल, इसको परिदर्शी बोलते हैं, और इसके इन्वेंटर थे हिप्पोलाइट मैरी डेवी, ये देखिए बना हुआ है ऐसे, और पेरिस्कोप तो साइंस में आप लोगों ने अपने स्कूल में बनाया भी होगा, नीचे शीशा लगाकर फिर ऊपर शीशा टेढ़ा लगाकर एक बॉक्स में, बॉक्स के थ्रू, तो वो पेरिस्कोप आप लोगों ने भी साइंस में जरूर बनाया होगा। अगला है पॉलीग्राफ, आदमी से सवाल जवाब होते हैं, तो इट रिकॉर्ड्स चेंज इन हार्ट बीट ब्लड प्रेशर एंड द रेस्पिरेशन, जो उसकी ब्रीदिंग है, तो उसमें अगर कोई चेंज आता है कुछ ऐसा आता है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ लाइट डिटेक्टर। अगला है पिरहेलियोमीटर, और इसको इस्तेमाल हम करते हैं टू मेजर द सोलर रेडिएशन, सूर्य ऊष्मा मापक, सूर्य विकिरण को मापने के लिए, और इसके इन्वेंटर थे CG एबॉट। अगला है पायरोमीटर, एंड इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, हिंदी में बोलते हैं इसको उताप मापक यंत्र, किसी उच्च ताप को मापने के लिए, और इसके इन्वेंटर थे जोसिया वेजवुड। नेक्स्ट इज रडार, रडार तो जानते होंगे, रडार प्रणाली जो लगी होती है सारे हमारे
आर्मी वगैरह यूज करते हैं, हर जगह पर रडार प्रणाली के बिना काम ही नहीं हो सकता, तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसके इन्वेंटर थे हेनरिच हर्ब्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके इन्वेंटर कौन थे। रेन गॉज, इट मेजर्स द रेनफॉल, वर्षा को मापने का यंत्र, और इसके इन्वेंटर थे किंग सेजोंग द ग्रेट। ये देखिए, जो आप पता लगता है ना कितनी बारिश हुई, अभी उत्तराखंड में बारिश हुई है इतनी, तो कितने मिलीमीटर बारिश हुई है, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो इससे पता चलता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ नापता है हमारा अर्थक्वेक, यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी और एन ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स। भूकंप सूचक यंत्र, इसके इन्वेंटर थे जॉन मिलने, और जैसे हम देखते हैं कि आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे जब भूकंप आता है तो बताते हैं कि रिक्टर स्केल पे कितना उसका तीव्रता थी, तो वो सिस्मोग्राफी पता लगाता है। अगला है स्पाइगमो मैनोमीटर, इट मेजर्स द ब्लड प्रेशर, रक्त दाब मापी, और इसके इन्वेंटर थे सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल रिटर वॉन बैश। ये रही मशीन, आपने देखी होगी जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है आमतौर पर हम लोगों को, लेकिन उसका नाम नहीं पता होता है। स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप भी जानते होंगे, फॉर हियरिंग एंड एनालाइजिंग हार्ट बीट्स। परीश रावत, दिस इज द स्टेथोस्कोप, डॉक्टर आला जिसको बोलते हैं, गले में डाल के घूमते हैं, और इसको आविष्कार किया था रेने लेनेक ने। अगला है थर्मोमीटर, इसको हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं बॉडी में या किसी और चीज में भी, ताप मापक यंत्र, इसके इन्वेंटर थे गैलीलियो गैलीली, दिस इज द थर्मामीटर। तो ये तीनों चीजें मेडिकल से रिलेटेड हैं। ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर सिग्नल रिसीव करता है और भेजता है टू द सैटेलाइट्स। ये है ट्रांसपोंडर, ये हर जगह लगता है, इवन जो आपके जो डिश टीवी एंटीना होगा उसमें भी ट्रांसपोंडर लगा होता है जो सिग्नल रिसीव करता है। इसके इन्वेंटर थे चार्ल्स एम रेडमैन। वॉट मीटर, ये बताता है, इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति मापी। ऑटो ब्लैथी थे इसके इन्वेंटर। वेव मीटर, इट मेजर्स द वेवलेंथ ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, और इसके इन्वेंटर थे पॉल डी जोटू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि हम लोग आम जिंदगी में हमारे सामने आते हैं, हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें इनका नाम नहीं पता होता है, बहुत लोगों को इसके इन्वेंटर नहीं पता होते हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिहाज से भी। एग्जाम में ये आपको कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन टकरा ही जाएंगे, किसी भी लेवल के एग्जाम हो, कहीं के भी हो। अगले वीडियो में हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आएंगे, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।